प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इसी बीच वे रूस भी जाएंगे। पीएम मोदी के विजिट को लेकर रूस ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनके दौरे को पश्चिम एशिया की नजर से देख रहा है। रूस ने पीएम के दौरे को बहुत अहम और पूर्ण यात्रा बताया। रूस के बाद प्रधानमंत्री 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा था। वे 8 और 9 जुलाई तक मॉस्को में होंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रूस यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने उनके हाई लेवल यात्रा को लेकर कहा है कि मुलाकात में दोनों नेता दोनों देशों के बीच संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का कार्यक्रम बड़ा है और दोनों नेता इसी बीच अनौपचारिक बातचीत भी कर सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि जाहिर है कि व्यापक एजेंडा होगा, अगर इसे बहुत व्यस्त न भी कहा जाए। ये एक आधिकारिक यात्रा होगी और हमें उम्मीद है कि दोनों नेता अनौपचारिक तरीके से भी बातचीत कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री ने कहा है कि रूस और भारत के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के आपसी और प्रतिनिधिमंडल लेवल की बातचीत भी होगी। साथ ही कहा है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं, जो रूसी भारतीय संबंधों के लिए बहुत अहम है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा पर बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी नजदीकी निगरानी का मतलब है कि वे इसे बहुत महत्व देते हैं और वे गलत नहीं हैं। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। वहीं युद्ध के संबंध में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखर रहे हैं और वे यूक्रेनी राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस युद्ध को समाप्त करने की अपील कर चुके हैं।